शैतान का शेर आ रहा है। Why are you running? 21 साल चैन से सोने वाले पाकिस्तानियों की आंखों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि कतर 2 का अनाउंसमेंट से ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। अली बाबा, पाकिस्तानी भी तो स्मार्ट हैं, इसका भी एंटीडोट उन्होंने निकल लिया है। सनी की कतर 2 से आम पाकिस्तानी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे हैंडपंपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। क्या उखाड़े रहा देखते हैं। You can do it! Oh my God! Wow! Control. पाकिस्तानी ने अच्छा मूव लिया, लेकिन डर का सिलसिला यूं ही जारी रहा। सनी देओल की कहर से बचने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद पर गोली चलवा ली है। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया है इमरान खान ने। इसके साथ ही यूनेस्को ने इमरान खान को प्रेसिडेंट ऑफ द मिलेनियम के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। अरे भैया, ये तो कुछ हो नहीं है। अरे जानते हैं, पाकिस्तानी सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। तो जानते हैं कि आखिर ये भोली भाली पाकिस्तानी जनता इसके बारे का सोचती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो है वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें। गजब बेइज्जती है। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारे जो मुल्क की मौशियत है वो काफी बदतरीन सूरत हाल में है। हम मालूम है तेरे बाप को, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? बहुत अच्छी बात है। मैं राजी तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। समझ रहे हो? तो क्या वीडियो लोग, आप लोग क्या सोचते हैं? इमरान खान ये वही मसीहा है जो पाकिस्तान की डूबती नैया को सनी पाजी के गदर 2 की सुनामी से बचा पाएंगे? अपना कॉमेंट जरूर करिए। पाकिस्तानियों को बिना भीख दिए कोई नहीं जाएगा, नहीं तो चिन चिन के मारूंगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ। कोई तरीका भीख मांगने का? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।